गाइस, मैं एक बार आज का ब्लॉग शुरू होता है। मेरी पुराने स्टूडेंट हूँ मेरा, मेरे से मिलने आई है और मैं चेन्नई जा रही हूँ। तो एक पार्सल आया मेरा, मैं सबसे पहले वो ले लूँ। अरे पार्सल मुझे कब से चाहिए था, ये मैंने महंगा सामान मंगवाया था। आगे भैया आगे सामने से पीपल, आई गॉट माई पार्सल और इसमें है मेरा मेकअप का सामान। मेरा ना एक मेकअप का सामान ना गुम हो गया था, तो उसके बाद मुझे ऑर्डर करना पड़ा। यह है प्रिटी कॉस्मोस है, और जिनसे मैंने मेकअप सीखा था ना कनिका दीदी, तो उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया था। मैं प्रोडक्ट बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर आप उनका कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो रिकमेंड करते हैं। सो उनके प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे रिकमेंड करा, वही एक प्रोडक्ट मैंने दोबारा मंगवाया। सो हाई एंड लो एंड दोनों चीज़ें रिकमेंड करती हैं। सो मेरा पार्सल भी आ गया। गाइस, भूमिका ने नया फ़ोन ले लिया, मेरी पुरानी स्टूडेंट से मिलने आई है। इसकी स्नैप भी लग गए 13 भूमिका छाबड़ा। कैसा लग रहा है नए फ़ोन के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है, इसकी वजह से ही गुरुजी हमारे घर पे आए थे। ये जो सबसे पहले वाली गुरुजी वाली फ़ोटो है ना, ये भूमिका ने दी थी मेरे को। उसके बाद फिर हमारा गुरुजी में मानने लग गए एंड बहुत सारी चीज़ हुई हमारे घर में। कुछ छोटा मोटा बाहर का मंगवाया है, क्योंकि भूमिका इतने टाइम बाद आई है। कितने टाइम बाद आई हो तुम? एक साल हो गया कोर्स को? कितने साल हो गया कोर्स को? 6 महीने हो गए? नहीं, 7वें बैच में थे तुम। साल होने वाला है गाइस, साल होने वाला है। तब ये बच्ची ने मुझे अपनी शक्ल दिखाई है। एक बार ये मेरे को बस टी शर्ट देने आई थी, बाकी सारे अपने बैचमेट्स के साथ, जिसमें मेरा लोगो प्रिंट था। और गुरु जी तो यार इनके हैं ही, मैं कहती हूँ। तभी हम बैठ के बातें करें, क्लास में बातें नहीं करती थी, इंडिविजुअल बातें करेंगी हमेशा। जो ऑर्डर लेने गई है, मैं कैंची ले आती हूँ, सिज़र ले आती हूँ। तुम कैंची बोलोगे, मैं सिज़र ले आती हूँ, वो करती हूँ। अभी भी मैंने बेसिक स्किन केयर रूटीन ही कर रखा है अपना, और बाल गिले हैं क्योंकि आज बाल बहुत अच्छे तरीके से वॉश हुए हैं। और अभी मैं रोज़मेरी वाटर वाली चीज़ें नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं बहुत कामों में लगी हुई हूँ। लेकिन जब मैं वापस से करूँगी रूटीन तो मैं शेयर करूँगी। सो चलो, वो आने वाली है। मैं अभी बस अपने घर का काम कराऊंगी। अब मेरा नया बैच आने वाला है, भूमिका भी जो आ रही है। भूमिका कैसा लगा तुम्हें मिलके? बहुत अच्छा किया। वो ये शायद पर्सनालिटी है, थोड़ा कम बात करती है, पर करती है तो मेरे से अच्छे से कर लेती है बात। कैमरा बात करती है, ऑन कैमरा नहीं करती है। आपको बस खाना देने जा रही हूँ, थोड़ा डाल रही हूँ बस, अभी नॉर्मल रखें। ये खीर आई है संजय चाचा के घर से, बनाई तो मेरी प्यारी अजरा चाची ने है, पर संजय चाचा का नाम हम क्रेडिट में जोड़ रहे हैं, क्योंकि चाचा कहते हैं तो मेरा नाम नहीं लेते। जस्ट भूमिका चली गई है और मेरा बैच का टाइम हो गया है, 3 बजे वाले बैच का टाइम है। केतन सबसे पहले आता है, तो केतन बैठा हुआ है। केतन में हम हमेशा 15-20 मिनट बातें करते हैं, पुराने के डाउट सॉल्व करते हैं। ये रहा केतन, केतन रॉयल। हेलो गाइस, हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरे 2K सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू। सो गाइज, केतन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैं हमेशा इसकी तारीफ़ करती रहती हूँ। और इसके फेसबुक पे डेली नए नए फोटो वगैरह स्टोरियाँ मस्त डालता है, इसकी मैं फेसबुक ज़रूर चेक करती हूँ। सो अभी बाकी सारे आएंगे, फिर हम बैच लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। एक और स्टूडेंट आ गया जिसका नाम है नीरज पंचाल, मैं इनको पंचाल भाई साहब बोलती हूँ। सो ये भी चुपचाप आके अपना काम कर रहे हैं। केतन तो साथ में है, बाकी भी आ रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे कॉल कर दी है, स्काइप कॉल, तो सबके पास कॉल चली जाएगी। एक और स्टूडेंट आ गया जिसका नाम है यशवी, पार्डन। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है वो तुम? पहाड़ी? हाँ, सिड्डू खाने वाले, हमने नहीं खाया आज तक। आपके घर पे बनता है सिड्डू? अच्छा, आपके, मेरी एक स्टूडेंट थी महक नाम की, उसके घर आलू का हलवा बनता था। वो कहती दीदी आपको खिलाऊंगी नवरात्रियों में, बनता है। मैंने कहा, कहते बहुत मुश्किल से बनता है। मैं कहा अच्छा, मेरे को वो करके शीरा नहीं खाया, गुजरातियों का होता है वो, तो वो चावल का जो जेठा राय खाता था ना शीरा, गाइस जब हम शीरा खाएंगे यशवी खिलाएगी। मम्मी बिंचू के साथ बाहर किसी काम से, सब ब्लॉग अभी भी बना हुआ है बैच के बाद। पीपल अभी हम आए हैं बेक स्मिथ पे, थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अपनी बहन के साथ होंगे तो आएगी नहीं ब्लॉग में। गाइस ये आया हमारा मिनी पिज़्ज़ा, बंच रहे क्या है नाम बोल गया, हम ये चीज़ पाए था। हाँ, अभी मैं घर आती हूँ और आते मुझे टॉन्ट पड़ेंगे, क्योंकि मैं 8:30 आई हूँ। अगर मुझे टॉन्ट नहीं पड़ते तो सोचो कि भाई मेरे घर वाले बदल चुके हैं।
मेरी माँ सो रही है। आरती तेरे लिए सरप्राइज है। और पापा कुछ बोले नहीं यार, गाइस मैं घर घुस गई हूँ तो मेरे पापा बोले नहीं कि तो लेट हो गई है। क्या हो गया पापा, फीवर तो नहीं है? क्या हो गया? न्यूज़ चल रही है। गाइस मैं अपनी बहन के लिए लेके आई हूँ, ये दो कलर मुझे अच्छे लगे, कहीं मेरे यूज आते हैं तो वीडियो बनाती है ना। हाँ केयरिंग लाई हूँ, एक वो है क्रीम है। गाइस मेरी बहन आ गई है घर पे, मैं इसके लिए लेके आई हूँ ये बुशेटा चिप्स। महंगी है ना ये, इसको हमसे मतलब ही नहीं है, ले खा तो चिप्स का। सो जिवितेश फ्रॉम कनाडा, कैसी लगी रीडिंग आपको? थैंक यू सो मच। मेरे को रीडिंग का तो चलो जो भी है वो तो भगवान बताएगा, जो होगा अच्छा ही लगा। एंड आपसे बात करके मेरे को बेसिकली बहुत अच्छा लगा। जो भी आपने चीजें, आपकी वाइफ मेरे को लगी, थैंक यू, जो भी आपने मेरे से चीजें पूछी आपको कनेक्टिंग लगी, आई चीजें कनेक्टिंग लगी? हां बिल्कुल, बहुत सारी चीजें तो बहुत ज्यादा कनेक्ट। मेरा एक और सेशन था और मैंने सेशन ले लिया और काफ़ी अच्छा सेशन रहा ये टैरो का। एक कनाडा से बच्चा था जिसने मेरे से सेशन लेना था, क्योंकि मेरे को एक कैंडल का लग गया और कैंडल का कुछ मोम वो मेरे इस पे बालों पे लग गया होगी क्योंकि फूक मार रही थी मैं। साफ़ कर लेते हैं अभी हम इसको। बेसिकली मैं जा रही हूँ आरती के पास, गरिमा के पास, बैठते हैं बात करते हैं इनसे, इनको भी टाइम देते हैं ना। आपको व्लॉग से पहले आज की शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैं करके आई हूँ। मैं शाम को मंचू के साथ पहले मार्केट गई हुई थी मैं आरती के लिए। ये न्यू यू एक दुकान है यहाँ पे, अडाबर एंटरप्राइज है। अच्छा ठीक है, फॉर फ्रेंचाइज इंक्वायरी ईमेल एंड ऑल। देखो ओनर टन एक्सप्रेस इट नाइस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। मैं आरती के लिए लेके आई ये स्टिक ऑन नेल्स, मेरे को ये दिख रहे थे वहाँ पे। आरती के लिए मैं लेके आई थी स्टिक ऑन नेल्स और ना आरती को पसंद है सारी चीज़ें। इफ़ यू नो मी, मैं नेल्स की इतनी शौकीन नहीं हूँ। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट और एक ना मुझे ये थोड़ा कलर अच्छा लगा था। मुझे ना लाइट कलर और ये न्यूड कलर ज़्यादा पसंद होता है राधा दिन ये वाले कलर, मतलब जो लाल पीले चिट्टे नीले सारे होते हैं ना। इसमें दो मई बीड्स लगी है तो आरती अपने आप हिसाब से यूज़ करेगी। एक मैं लेके आई थी अपनी मिनिमलिस्टिक की सनस्क्रीन तो है सॉरी मिनिमलिस्टिक की नाइट क्रीम, मतलब आई क्रीम ये रही, क्योंकि मेरी आई क्रीम ना गुम हो गई थी तो मुझे लगा कि मेरे को ले लेनी चाहिए। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो रहा न्यू यू का ऑर्डर और एक प्रिटी कॉस्मो से मैंने ऑर्डर कर रखा था ये रिकोड का रोज़ वाटर, ये प्रोश का ब्लेंडर कि बहुत अच्छा ब्लेंडर है, दीदी ने रिकमेंड करा था। और ये ना कंसीलर है जिसको अपने डार्क सर्कल छुपाने हो, पिगमेंटेशन छुपानी हो, तो 35N मीडियम आई गेस शेड होगा अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। कहाँ यार लिखा ही नहीं रहा मुझे यार। तो ये वाला शेड मैंने ऑर्डर करा है, टार्ट का है ये कंसीलर, बहुत अच्छा कंसीलर है, यही मेरे फेस पे सूट करता है। तो ये मैंने करा, हाई एंड प्रोडक्ट है और क्या कहते हैं बस यही है। मैंने दीदी से मेकअप सीखा था, दीदी ने मुझे ये रिकमेंड करा था जो मैं सुबह व्लॉग में बोल रही थी आप लोगों को। बाकी अच्छी चीज़ है, नॉलेजेबल है, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। अब यहीं का व्लॉग, आज का व्लॉग सिर्फ यहीं तक का था। अभी सारे अपने रूम में सो चुके हैं, थके हुए यार, तो पेपर देख के आए, गरिमा को जुकाम है। सो मैं बस एडिटिंग करूँगी, मैं अभी सोने जाऊँगी और मैंने रीडिंग भी ले ली है, आपको रिव्यू शेयर करा होगा मैंने अभी तक। तो टिल देन अगर आपने व्लॉग देख लिया है तो रुको जाओ मत, डू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।